सीरियल पंड्या स्टोर में ही यूं तो क्रिश और श्वेता की शादी हो रही है, लेकिन मंडप पर जाकर बैठ गए हैं वो जिनको देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ पर मेगा ड्रामा होने की जगह थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ भी मिलेगा, देखिएगा जरूर। हे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, या फिर यूं कहें कि ये गोलमाल क्या है भाई। इस मंडप में शादी तो क्रिश और श्वेता की होनी थी, फिर रावी और गौतम कैसे बैठ गए, अब इतना बड़ा झोल आखिर कैसे हो सकता है। अब गौतम को तो लग रहा है कि उसके बगल में उसकी दुल्हनिया धरा बैठी है, वो नहीं जानता है कि घूंघट के पीछे जो लड़की है ना, वो रावी है। अब ऋषिता सब देख रही है, वो तो अपनी हंसी पर एक कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। हंसते हंसते वो गोम्बी के पास भी गई। अब वो सबके सामने बोल भी तो नहीं सकती है, क्योंकि सुमन माँ ने इन सबको मौन व्रत में जो रखा है। लेकिन अब ऋषिता ने चीटिंग कर दी है, कानों में गौतम के कह दिया कि आपके बगल में जो लड़की है ना, वो धरा भाभी नहीं बल्कि रावी है। क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो एकदम शर्मा गया और धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गया। गैस गैस माँ, मुझे गैस हो रही है, मैं अभी आया। जो जो आया हूँ। शादी में ड्रामा ना हो पंड्या स्टोर में, ऐसे कभी हो सकता है? एक शादी बिना ड्रामे के नहीं हुई है, एक ना दरा गोम्बे की ना किसी। यहाँ पे तो स्वॉप भी हुआ था, हमारी शादी में तो स्वॉप हुआ था, हम चार लोगों ने एक ही उसके अग्नि के सामने फेरे में। एक्चुअली हम चारों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। अब भी बात ये है कि धरा आखिर है कहाँ। ऋषिता उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि वो गई है श्वेता के खिलाफ सबूत लाने के लिए। लेकिन लगता है कि ना धरा को आने में देरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कृष्ण ने मांग भर दी है श्वेता की। करना है, धरा भाभी कहीं खो गई है, हम वेट कर रहे हैं कि धरा भाभी आएगी, श्वेता को एक्सपोज करेगी, पर ये अब तक हो नहीं पाया है, क्योंकि ये तो पता नहीं श्वेता क्या क्या अपनी चाल चल रही है, और अपनी शादी उसे तो कर रहना भी नहीं है कृष्ण के साथ। अब ये सच है या सपना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और श्वेता को जरा देखिए, वो भी कितनी घबराई हुई है। अब सच क्या है, ये शादी होगी या नहीं, ये सब पता चलेगा धरा के आने के बाद। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।